श्रीमान वेंकटनाथार्य कवितार्किक केसरी वेदांताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। कामासी काष्टक में हम पांचवा श्लोक अभी प्रारंभ कर रहे हैं। चार श्लोक हो गया था और थोड़ा ज्यादा विराम हो गया तो भी क्षमा करना मुझे कि न केवल कार्य व्यापृत था और थोड़ा सा कार्यांतर और अचानक अनिवार्यता से कुछ हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ा तो थोड़ा देर कर दिया हूँ। और स्वस्थानेषु मरुद्गणान् नियमयन् स्वाधीन सर्वेन्द्रियः पर्यंक स्थिरधारणा प्रकटित प्रत्यंगमुखावस्थितिः प्रायेण प्रणिपेदुषां प्रभुरसौ योगं निजं शिक्षयन् कामानातनुतादशेष जगतां कामासिका केसरी। अद्भुत श्लोक है। नरसिंह भगवान वेगा नदी के किनारे पर जो विराजमान है, योग मुद्रा में विराजमान है, और योग करने वाले भगवान किस प्रकार रहेंगे उसका वर्णन इस श्लोक में कर रहे हैं। और प्राणापान व्यान उदान समान रूप से जो पांच पंच वायु है हमारे शरीर में, उसी प्रकार देवताओं में भी वो परिकल्पित है। हम जब भगवान का श्री वैकुंठ से कलाकर्षण करते हैं उस वक्त उनके दिव्य शरीर में भी प्राणापान व्यानोदान समान आदियों को हम समावेश करते हैं और अपने अपने स्थान पर उन सबको मंत्र पुरस्सर आवाहन करते हैं। तो भगवान किस प्रकार विराजमान है योग मुद्रा में, और ये श्लोक हम पीछे के श्लोक में भी हम देखे हैं और उसमें आया था बंधुर पर्यंक बंध रमणीयम। बंधुर पर्यंक बंधा, पर्यंक बंध अर्थात अपने घुटनों को, दोनों को अपने हाथों से, दोनों हाथों से समाहित कर विराजमान है। ये एक योग की अवस्था है, योग की स्टेज है। और अब क्या कर रहे हैं, ये पंचवायुओं को भी कंट्रोल में करते हैं। स्वस्थानेषु मरुद्गणान् नियमयन्, नियमयन आफ्टर कंट्रोलिंग, ये मतलब है नियमयन भगवान। ये नियमयन शब्द जो है वो कामासिका केसरी उसका विशेषण है, एडजेक्टिव है। स्वस्थानेषु अपने अपने स्थानों में मरुद्गणान प्राणापान व्यान उदान समान रूप जो वायुओं का समूह है उसको अपने अपने स्थान पर विराज कंट्रोल करते हुए, ऐसा मतलब है। हृदि प्राण गुदे अपान समान नाभि मंडले उदान कंठ देशे स्यात् व्यान सर्व शरीर कहा, ऐसा प्राचीन अमरकोश का कहा कहना है। और हृदय प्राण, हृदय में प्राण है, प्राणवायु कहाँ है, वो हृदय में है। गुद में अर्थात जहां से हम अनवांटेड यानी चीजों को बाहर निकालते हैं वो उस जगह पे रहने वाला वायु का नाम है अपान वायु है। गुदे अपान समान वायु है, नाभि मंडल में रहने वाला है। उदान जो है वो कंठदेश में रहने वाला वायु को उदान वायु कहते हैं। व्यान वायु, व्यान शब्द से एक वायु कहा जाता है जो सर्व शरीर में रहने वाला वायु है। इन पांचों वायुओं को कंट्रोल में रखना ही योग का प्रारंभिक स्थिति है। इसलिए हम प्राणायाम प्राणायाम कहते हैं, वो प्राणवायु को कंट्रोल करने में ही हम लोगों को इतना तकलीफ होता है कि प्राणवायु ही कंट्रोल में नहीं रहता है।
योग चित्तवृत्ति निरोध ऐसा इसके ऊपर चित्तवृत्तियों का निरोध करना है, अर्थात मनमानी ढंग से हम अपना मन को इधर उधर तितर बितर चलता रहता है और उन चीजों को कंट्रोल करना है, उसके लिए हम लोगों को एक भगवान का शुभाश्रय विग्रह को ध्यान करने के लिए प्रेरणा मिलती है। ये इसलिए शास्त्र में और ये भगवान की मूर्ति को हम स्मरण करते हैं, वो जो शुभाश्रय मानते हैं, अशुभ से वर्जित है, शुभ से अशुभ से आश्रित है, शुभमय विग्रह है, दिव्य मंगल विग्रह शब्द से हम उसे शास्त्र में बार बार कहते हैं पंचरात्र आगमों में। शास्त्र यानी इस प्रकरण में शास्त्र शब्द का मतलब ही पंचरात्र आगम है और उन आगम ग्रंथों में भगवान की एक दिव्य मूर्ति का वर्णन शुभाश्रय विग्रह का वर्णन किया जाता है जो ध्यान के लिए आलंबन बनता है। ध्यान के लिए आलंबन बनना का मतलब है ध्यान के लिए विषय बनना, जिसके ऊपर हमारा ध्यान केंद्रित रहेगा, वो ऑब्जेक्ट है। जिन लोगों को मूर्ति पूजन वर्जित हो उन लोगों को शुभाश्रय विग्रह न होने की वजह से ध्यान का आलंबन अर्थात न होने की वजह से ध्यान सिद्ध होना मुश्किल होता है, परंतु हमारे लिए 108 दिव्य देशों में विराजमान भगवान का दिव्य मूर्ति हमारे लिए एक शुभाश्रय विग्रह है जिसके ऊपर ही हमारा ध्यान केंद्रित रहता है तो चित्तवृत्ति निरोध संभव होता है, अन्यथा चित्तवृत्ति इधर उधर तितर फितर जाएगा और फिरेगा, उससे हम दूर रहते हुए और एकाग्रता से भगवान का ध्यान करने के लिए वो शुभाश्रय विग्रह ही साथ देता है। स्वस्थानेषु मरुद्गणान नियमयन स्वाधीन सर्वेन्द्रिय, और अपने इंद्रियों को सबको स्वाधीन करते हुए अपने अधीन में इंद्रियों को रखते हुए, ऐसा मतलब है भले इंद्रिय अपने स्थान पर रहेगा तो भी मन जहां जाएगा वहां इंद्रिय भी वहां प्रसरित हो जाएगा। इंद्रियाणि कर्षति, मनहा इंद्रियाणि कर्षति, ऐसा जो गीता का वचन है। और स्वाधीन सर्वेन्द्रिय होना बहुत जरूरी है मनुष्यों को भी। योगस्य चित्तवृत्ति निरोध का मतलब ही चित्तवृत्तियों का निरोध करना का मतलब चित्त वहां जाएगा उसे रोकना, चित्तवृत्ति निरोध। इंद्रियों को इंद्रियाणि हयानाहु विषयांस्तेषु गोचरान प्राणेन्द्रिय मनोयुक्तम, ऐसा जो गीता का वचन है, और उसके हिसाब से स्वाधीन सभी इंद्रियों को अपने वश में रखते हुए भगवान भी हमारे लिए योग की शिक्षा दे रहे हैं। मानो पर्यंक स्थिर धारणा प्रकटित प्रत्यंगमुखावस्थिति ही, बाह्य विषयों में ध्यान नहीं देते हुए अंतर्मुखता लाना एक बहुत बड़ी बात है कि विषय जो ऑब्जेक्ट्स जो बाहर हैं उन बाहर के विषयों के ऊपर अपना ध्यान जाना, अपना मन जाना उसे रोकते हुए पर्यंक स्थिर धारणा, पर्यंक बंध उसे कहते हैं जिससे घुटनों को हाथों में बाहों में लेकर बैठा रहना है, और पर्यंक उसमें भी स्थिर धारणा, स्थिर रूप से एक प्रकार जो आसीन संभवात सूत्र में ब्रह्मसूत्रकार भी कहते हैं कैसे ध्यान में रहना है, वो लेट के कर सकते हैं या अथवा खड़े खड़े कर सकते हैं या चलते हुए भी कर सकते हैं क्या ध्यान, ऐसा प्रश्न पूछते हुए कैसे भी संभव है परंतु बैठे रहने में बहुत सरलता से संभव है, ऐसा आसीन संभवात अचलत्वम चापेक्षीय ऐसा इत्यादि सूत्रों में जिस प्रकार पर्वत या पाषाण इत्यादि स्थिर होकर तपस्या करते हैं मानो ऐसे, ऐसा उदाहरण दिया हुआ है। अर्थात पत्थर सब एक जगह पे ही बैठे हैं का मतलब है वो भी ध्यान करते हैं मानो ऐसा एक ही जगह पे ऐसे ही विराजमान हैं। ध्यायन्तीव पर्वताः, ध्यायन्तीव
पाषाणानि व्यायन्ति वे, ऐसा जो उदाहरण है। और उस प्रकार पर्यंक स्थिर धारणा, स्थिर रूप से पत्थर जैसा इधर उधर हिलना नहीं, स्थिर धारणा, वो स्थिर धारणा सिद्धि के लिए पर्यंकासन में पर्यंक बंध में बैठ जाते हैं। एक बार पर्यंक बंध में बैठ जाते हैं तो इधर उधर हिलने की आवश्यकता भी नहीं होती है। उन जमानों में ग्राम में जो एक एक गांव में एक बड़ा बड़ा पत्थर रखा जाता था, उस पत्थर के बाजू में रखते हुए रहते हुए जो गांव का मुख्य जो हेड ऑफ द विलेज है वो अपना निर्णय देगा। वहां वो भी ऐसा बैठेगा कि पर्यंक जो स्थिर धारणा में पर्यंक बंध में बैठेगा। उसे गांव में उन दिनों में हम लोग देखे हैं कि उसका बैठने का ढंग ही अलग रहेगा और कहने का ढंग ही अलग रहेगा और इतना गंभीर रहेगा उस ग्रामाधिकारी में, ग्राम के जो हेड हैं उनमें इतनी उसी, वो तो नीचे उदाहरण दे रहा हूं परंतु भगवान के बाबत में तो प्रश्न ही नहीं है। ऐसा सामान्य व्यक्ति भी ऐसा करता हो तो भगवान जब ध्यान करते हैं हम लोगों को शिक्षा देने के लिए। पर्यंक स्थिर धारणा, इससे क्या मालूम होता है कि प्रकटित प्रत्यंग मुखावस्थिति, उसमें क्या है, बाह्य विषय में जाना है तो सामान्य रूप से हम सुखासन में बैठ के भी बाह्य विषय को ध्यान कर सकते हैं, और परंतु अभी अंतर्मुखता ला रहे हैं, बाहर के विषय को सब छोड़ दिए हैं और जो शुभाशय विग्रह भी रखते हैं उसे भी अंदर अंदर ले लिए हैं और अपने मन में ही जो विराजमान है सदा भगवान की सेवा करके 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 जो भगवान का स्वरूप अपने अंदर में ले लिए हैं मन में, उसी के ऊपर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रत्यंग मुखावस्थिति को प्रकट कर रहे हैं। प्रत्यंग मुखावस्थिति ही का मतलब है खुद के ओर ध्यान दे रहे हैं, बाहर के ओर नहीं, खुद के ओर ध्यान दे रहे हैं। इन चीजों से प्रायेण मोस्टली प्रणिपेदुषाम प्रभुरसौ योगम निजम शिक्षयन, ये क्या कर रहे हैं, ऐसा क्यों बैठे हैं। तो हम लोग तो ध्यान करते हैं क्योंकि भगवान की प्राप्ति करना है, भगवान स्वयं ऐसा बैठेंगे तो उनको क्या प्राप्ति करना है, किसकी प्राप्ति करना है, क्यों ऐसे बैठे हैं, तब तो क्या है। और बाहर के लोग कहते हैं कि ये भी देवतांतर की पूजा करते हैं क्या, ऐसी भावना मन में आ न जा, इसलिए इधर एक सुंदर उत्तर दे रहे हैं वेदांत शिक्षक जी। प्रायेण मोस्टली ऐसा होगा, प्रणिपेदुषाम, जो भी उनके पास आकर उनका प्रणिपतन करते हैं यानी उनका आश्रय करते हैं, आसेदुषाम उपसेदुषाम प्रणिपेदुषाम, इन सब शब्दों को बार बार वेदांत देशिक जी काव्यों में भी प्रयोग करते हैं। उपसेदुषाम आज ही पाठ पढ़ाया यादवाभ्युदय में, जैसे गोवर्धन गिरी उनसे उनके आश्रय लेने वालों को किस प्रकार रक्षण करता है, उपसेदुषाम शब्द का प्रयोग वहां वेदांत देशिक जी करते हैं। और षष्ठ सर्ग में आठवां नौवां दसवां श्लोक के बीच में, और इधर प्रणिपेदुषाम शब्द को कहते हैं प्रणिपेदु आसेदुषी प्रणिपेदुषी प्रणिपेदुषा प्रणिपेदुषाम, षष्ठी विभक्ति बहुवचन में प्रणिपेदुषाम, आश्रय करने वालों को प्रभु रसौ, ये जो प्रभु सर्वसमर्थ प्रभु निजम योगम शिक्षयन, खुद का ध्यान कैसे करना है, नरसिंह जी भगवान का ध्यान कैसे करना है, माने मनो इसकी शिक्षा दे रहे हैं। शिक्षयन कामासिका केसरी, पहले जो नियमयन कामासिका केसरी आया, स्वाधीन सर्वेन्द्रियः कामासिका केसरी, पर्यंक स्थिरधारणा प्रकृत प्रत्यंगमुखावस्थितिः कामासिका केसरी, प्रणिपेदुषाम प्रभुरसौ योगम निजम शिक्षयन प्रायेण कामासिका केसरी, कामान आतनुताद अशेष जगताम, ऐसी प्रार्थना। अशेष जगताम, संपूर्ण जगत में रहने वाले सब लोगों के लिए कामान आतनुतात, अपने अभीष्टता की सिद्धि प्राप्ति कराते हुए विराजमान रहे ये नरसिंह भगवान, इस आसन में बैठे हुए हम लोगों को योग की शिक्षा देते हुए, अपने इंद्रियों को अपने वशीभूत करते हुए और अपना मरु यानी उनका जो प्राणापान व्यानोदान समान रूपी वायु को अपने अपने स्थान में नियंत्रित करते हुए और शायद सब लोगों को योग शिक्षा देने के लिए मानो ऐसी परिस्थिति में विराजमान होकर
हम आश्रित सब लोगों के लिए, सभी जगत के लिए, सभी जगत में रहने, सब पूरी जगत में रहने वाले सभी प्राणियों के लिए, सभी मनुष्यों के लिए अथवा सब जीव वर्गों के लिए अभीष्टता सिद्धि करते हुए विराजमान रहें, ऐसी प्रार्थना इस श्लोक में की गई है। शायद मैं मेरी जो जो प्रकटन करने की तरीके में कहीं कमी हो सकती है, परंतु शायद सब शब्दों का अर्थ तो बताया ही हूं। और जिस प्रकार ये कहा जाए, आप स्वयं प्रमाण हैं और स्वयं भी आप इसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। इस प्रकार अर्थ का अवगमन करके आप स्वयं समर्थ हैं कि आप और कुछ लोगों को और बेहतरी और सुंदर भाषा में, आप लोग बेहतरीन भाषा में और प्रकट कर सकते हैं। स्वस्थानेषु मरुद्गणान् नियमयन् स्वाधीन सर्वेन्द्रियः पर्यंक स्थिरधारणा प्रकटित प्रत्यंगमुखावस्थितिः प्रायेण प्रणिपेदुषां प्रभुरसौ योगं निजं शिक्षयन् कामान्नातनुतादशेष जगतां कामासिका केसरी। ये श्लोक पोएटिकल ऑर्डर में इस प्रकार है। प्रोस ऑर्डर में कहना है तो मरुद्गणान् स्वस्थानेषु नियमयन् कमा स्वाधीन सर्वेन्द्रियः कमा पर्यंक स्थिरधारणा प्रकटित प्रत्यंगमुखावस्थितिः कमा प्रणिपेदुषां निजं योगं प्रायेण शिक्षयन् कमा प्रभुः असौ अशेष जगतां कामान् आतनुतात् प्रभुः असौ कामासिका केसरी। ये इसका ही विशेषण है। पहले कमा कमा जहां भी बोला, वो प्रभुः असौ कामासिका केसरी अशेष जगतां कामान् आतनुतात्। आतनुतात् विस्तार करें, अपने अपने अभीष्टता की विस्तार करें, चेतनों को सभी प्रकार की कुशलता प्रदान करें, ऐसी प्रार्थना इस श्लोक में की गई है। इसलिए हम भी इस श्लोक को प्रार्थना करते रहें। पहले लोग भी हम लोगों के लिए प्रार्थना किए थे, तो आज हम सुखी हैं। और यद्यपि इतना बड़ा कोरोना इत्यादि चल रहा है, तो भी हम लोगों को भगवान सुरक्षित रखे हैं। उसका कारण भगवान की प्रार्थना ही है। हम भी करें तो आगे की पीढ़ी भी सुखी रहेगी। और इस प्रकार हम श्री वैष्णव संप्रदाय केवल नहीं, इस प्रकार कितने भी संप्रदाय हैं, वो सब सुखी रहें, आस्तिक संप्रदाय, और आस्तिकता बढ़े, इसके लिए इस प्रकार के श्लोक बहुत काम आते हैं। आगे का श्लोक है, विकस्वरण खस्वरु क्षत हिरण्य वक्ष स्थली निरर्गल विनिर्गल द्रुधिर सिंधु संध्याता अवन्तु मदनासिका मनुज पञ्चवक्त्रस्य माम् अहम् प्रथमिकामितः प्रकटिता बाहवः। श्लोक कैसे पढ़ना है वैसे फिर से पढ़ूंगा मैं, क्योंकि अर्थों का मन में रखते हुए एक बार ऐसा पढ़ लिया। विकस्वरण कस्वरूप सत हिरण्य वक्षस्थली निरर्गल विनिर्गल द्रुधिर सिंधु संजायिताः अवन्तु मदनासिका मनुज पञ्चवक्त्रस्य माम् अहम् प्रथमिकामिथ प्रकटिता हवा बाहवः। विकस्वरणकस्वरु क्षतहिरण्यवक्षस्थली निरर्गल विनिर्गल द्रुधिर सिंधु संध्यायिताः। यहाँ तक एक ही पद है, समास आया है, समस्त पद को ही हम एक पद मानते हैं। और इस प्रकार इसमें यद्यपि विकस्वर नख स्वरु क्षत हिरण्य वक्षस्थली निरर्गल विनिर्गलत रुधिर सिंधु रुधिरम सिंधु रुधिर सिंधु संध्यायिताः, ऐसा अलग अलग सिलेबल्स हैं, अलग अलग शब्द हैं। इन शब्द सब मिलकर समस्त पद होकर एक ही अर्थ को अर्थात संध्यायिताः केते संध्यायिताः। एक क्या है वो संध्यायिताः का विशेष क्या है? अहम प्रथमिका मित प्रकटिता वा मदनासिका मनुज पंचवक्त्रस्य बाहवः माम अवन्तु। बाहवः भगवान का जो हाथ है, बाहु है, उसका वर्णन इस श्लोक में किया गया है। भगवान का बाहु कैसा है? सामान्य रूप से बाहु बहुत लंबा है, सब लोगों का रक्षण करने के लिए बाहु बहुत लंबा होना बहुत जरूरी भी है। सामान्य मनुष्यों को राजा लोगों का वर्णन करते हुए ही सालप्रांशु महाभुजहा, ऐसा महाभुजहा शब्द का वर्णन कालिदास कहते हैं रघुवंश के राजाओं का
वर्णन करते हुए व्यूढ़ोरस कहा, वृषस्कंध, साल प्रांशु, महाभुज, ऐसा जो महाभुज बहुत लंबा हाथ है। हम भी कभी कभी कहते हैं देखिए कि उसका हाथ बहुत लंबा है भाई, और नियति का हाथ तो बहुत लंबा है और कहीं से भी कहीं तक भी ले जाता है आदमी को, और अपना जो कर्म है, किया हुआ कर्म ही नियति है, और नियति तो कहीं से भी आदमी को कहीं तक भी खींच सकता है, इतना लंबा हाथ है उसके लिए। हम भी इधर भी कहते हैं नियम का हाथ बहुत लंबा है और रूल्स का हाथ बहुत लंबा है, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग हम भी करते हैं। इधर भगवान का बाहु कैसा है उसका वर्णन इस श्लोक में करते हैं। विकस्वर, एक एक शब्द का अर्थ बताऊंगा, बाद में जो सम्मिलित होकर जो अर्थ आता है उसको भी हम चर्चा करेंगे, और इस प्रकार ही अवगमन करना संभव है, क्योंकि श्लोक इतना बड़ा लंबा श्लोक है, ऐसे कहानी जैसा कहें तो, और मैं संतुष्ट नहीं हो पाता हूँ। यद्यपि आप लोग का इसका सारांश कही है, स्वामी जी ये सब क्या है इतना विस्तार करते हैं, ऐसा शायद मान सकते हैं, परंतु थोड़ा सा प्रयत्न करके सुन लेंगे तो आनंददायी हो ही सकता है, क्योंकि हाथ में पुस्तक होना भी जरूरी है। विकस्वर नकस्वरु, विकस्वर विकसित, ऐसा मतलब है, विकसन होना ही जिसका स्वभाव है उसे विकस्वर शब्द से कहते हैं। विकस्वर विकस्वर हा, विकास होना ही जिसका स्वभाव है, जिस भगवान का हाथ जो हाथ है और उसका जो प्रारंभिक भाग है कि वो फिंगर्स इत्यादि हैं, और वहां से लेकर देखें तो विकस्वर यानी जिस प्रकार फूल खिलता है वैसा खिला हुआ हाथ है, और नख जो भगवान का हाथ में रहने वाला नख है वो भी इतना ही विकसित है, उसे नख स्वरु शब्द से कहते हैं, स्वरु यानी वज्रायुध है, और नख कैसा है, एक एक नख भी एक एक वज्रायुध के समान विकसित है, समग्र बड़ा हुआ है, और इसे बड़ा चढ़ाकर नहीं बोलते हैं, जो स्थिति है वस्तु स्थिति का ही वर्णन करते हैं। नरसिंह जी भगवान जब अवतार किए तब हिरण्याक्ष को, हिरण्याक्ष एकदम मजबूत देह वाला है, उसको मारना यानी इतनी आसानी काम तो है नहीं, परंतु भगवान के लिए संकल्प मात्र से भी हो सकता है, परंतु इस प्रकार के राक्षसों को इस प्रकार मारने से ही लोगों में डर रहेगा और कांपेंगे, गलत करने के लिए भी एक क्षण डरेंगे, इसलिए विकस्वर नख, विकस्वर विकसित होने वाला जो नखों का स्वरू है, नख रूपी जो वज्रायुध है उससे क्षत क्षत यानी उससे दो भाग किया हुआ, अर्थात उससे भगवान हिरण्याक्ष को फाड़ डाले हैं, और क्षत हिरण्य वक्ष, हिरण्याक्ष का जो हिरण्य का जो वक्षस्थल है, हिरण्य वक्षस्थली निरर्गल है, उसमें से और उसमें से निकलने वाला जो कैसे निकलने वाला, निरर्गल विनिर्गल, निरर्गल मान कोई रुकावट नहीं, ऐसा वहां से रुधिर यानी रक्त खून बाहर तेजी से बाहर निकल रहा है, क्योंकि रोकने के लिए कोई है नहीं वहां से रोकने के लिए, ये निरर्गल विनिर्गल विनिर्गल यानी बाहर आने वाला जो रुधिर सिंधु, रुधिर रूपी एक नदी है, अर्थात रक्त खून बाहर है, खून बह रहा है का मतलब खून नदी के रूप से बह रहा है, उसकी वजह से वो पूरा शाम जो है, उस शाम को अवतार है ना, इसलिए वो संध्या काल माने एक दूसरी संध्या जैसे रहने वाला, वो संध्याईता रुधिर सिंधु, संध्याईता रुधिर सिंधु ही एक संध्या काल जैसा हो गया है, ऐसा हम प्रथमिका मिथ प्रकटिता हवा, मैं पहले ऐसा
एक एक हाथ भी आगे आ रहा है, का मतलब मैं पहले मारूं उसे, मैं पहले मारूं, का मतलब नरसिंह जी भगवान के गुस्सा इतना है कि भक्त भक्तस्य दानवशिशो परिपालनाय भद्राम नृसिंह कुहनामति जगमुषस्ते का वर्णन करते हैं वरदराज पंचाशत में यही वेदांत देशिक जी। और एक भक्त को परिपालन करने के लिए भगवान की जो त्वरा है, और मैं पहले ऐसा अहम प्रथमिका मतलब मैं ही पहले करूंगा, हिरण्याक्ष का वध मैं करूंगा, ऐसा करके एक एक हाथ भी पहले आ रहा है। और मिथः परस्पर प्रकटितावाह युद्ध का घोषण करते हुए मदनासिका मनुज पंचवक्रस्य कामासिका, अपनी इच्छा से वहां विराजमान होने वाला जो भगवान है मनुज है, मनुष्य और पंचवक्त्र दोनों का नर हरि स्वरूप है, मनुज यानी नर है, पंचवक्त्र यानी सिंह है, हरि है, नर हरि का स्वरूप है। और बाहवः उनका जो बाहु है, हाथ हैं वो मामवंतु वो मुझे रक्षण करें, ऐसा वो हाथ हमारा एक एक हाथ भी भगवान का सब हाथ हमारे रक्षण करें, सहस्राक्ष सहस्रपाद, ऐसा मतलब कितना हाथ है कि हजारों हाथ है, और हजारों हाथ यानी अथवा चार चतुर्भुजा भगवान चार भुजों के साथ भगवान नरसिंह जी प्रकट हुए हैं, तो चारों हाथ ऐसा रख सकते हैं, नहीं तो सहस्र के लिए भी कमी नहीं है, सहस्र भी है उनके पास, इसलिए वो भगवान का जो हाथ है वो लंबा होकर हमारी भी रक्षा करें, हमारी रक्षण करने के लिए ही तो विलंबित ना होते हुए विशेष रूपेण लंबित हो जाएं, विलंबित नहीं होते हुए विलंबित हो जाएं, ऐसी प्रार्थना माम अवंतु शब्द से इधर अवरक्षणे धातु है, माम अवंतु बाहवः माम अवंतु, ऐसी प्रार्थना है। 108 भी जा रहा है, उनको भी रक्षण करें ये भगवान के बाहु, 108 तेजी से जा रहा है रोड में, और उसमें कोई ना कोई तो रोगी होगा बेचारा, उसको भी ये भगवान की जो लंबा हाथ है वो रक्षण करें, ऐसी प्रार्थना इस श्लोक में की गई है, क्योंकि माम अवंतु का मतलब मुझे रक्षण करें, ऐसा एक एक व्यक्ति भी बोले तो सबकी रक्षा हो गई ना। और श्लोक को फिर से एक बार पढ़ रहा हूँ, इतना अर्थ को भी ध्यान में रखते हुए सुने और सुनाए और पढ़ें और दूसरों को भी पढ़वाएं। विकस्वर नख स्वरु क्षत हिरण्य वक्ष स्थली निरर्गल विनिर्गल द्रुधिर सिंधु संध्यायिता, मतलब बाहु कैसा है कि एक एक बाहु में भी खून, बहुत खून है, इसकी वजह से एक एक हाथ भी संध्या काल है क्या, ऐसा एक भ्रम को पैदा करने वाला संध्यायिता बाहवः अवंतु मदनासिका मनुज पंचवक्त्रस्य माम अहम प्रथमिका हव प्रकटिता हवा बाहवः, अहम प्रथमिका मैं पहले ऐसा युद्ध को प्रकट करने वाले, युद्ध के लिए तैयार होने वाले, युद्ध का घोषण करने वाले जो बाहु हैं, प्रकटिता आहवः, आहवः यानी युद्ध है, प्रकटिता यानी घोषित करने वाला, घोषित किया हुआ आहव है, युद्ध को छेड़ने वाला, छेड़ना शब्द ही सही है, युद्ध को छेड़ने वाला जो बाहु है वो बाहु सब हमारी रक्षा करें, ऐसी प्रार्थना इसमें की गई। तटा पटल भीषणे सर्वसाट्टहासोद्भटे स्फुरत्कृतिपरिस्फुटद्भ्रुकुटिके द्विवक्त्रे कृते कृपा कपट केसरिन्दनुजडिम्ब दत्तस्तना सरोज सदृशा दृशा व्यतिभिषज्यते व्यज्यते, फिर से पढ़ रहा हूँ। तटा पटल भीषणे सर्वसाट्टहासोद्भटे स्फुरत्कृतिपरिस्फुटद्भ्रुकुटिके वक्त्रे कृते कृपा कपटकेसरिन्दनुजडिम्ब दत्तस्तना सरोज सदृशा दृशा व्यतिभिषज्यते व्यज्यते, ये सातवां श्लोक है। सठा क्या है, पहला दो श्लोक दो पाद में भगवान का भीषण स्वरूप को दिखाते हुए, इतना भयंकर स्वरूप है तो हम भक्तजन भी डर जाएंगे क्या, ऐसा प्रश्न आते तो उसके लिए समाधान के रूप से दूसरा दो पाद है
इस प्रकार पूर्वार्ध और उत्तरार्ध दोनों मिलकर भगवान का कोप और दया दोनों को प्रकटित करने वाला ये श्लोक है। और भगवान गुस्सालु तो है, गुस्सा वाले तो हैं ही। अगर भक्तों के साथ अन्याय होता हो, भक्तों के प्रति जो हिंसा कर रहे हैं उनके लिए तो वो अति भयंकर स्वरूप ही है। भक्तों के लिए तो एक अलग स्वरूप है, वो तो दयालु स्वरूप है। अर्थात नरसिंह जी भगवान पहले पहले इस प्रकार जब प्रकटित हुए तब लक्ष्मी जी स्वयं डर गई। सब देवताएं लक्ष्मी जी की प्रार्थना किए तो आप समाधान कीजिए, तो लक्ष्मी जी बोले प्रह्लाद ही समाधान करें। और प्रह्लाद के लिए तो वशीभूत हो जाते हैं भगवान, इसलिए प्रह्लाद ही समाधान कर पाया। तो लक्ष्मी जी भी डरी हुई वहां एक कोने पर बैठ गई, ऐसा वर्णन विष्णु पुराण में और भागवत जी में भी आता है। और सटापटल भीषणी अति भयंकर है, किसकी वजह से? वो जो केश है, केसरी केसर है, और भगवान का नरकेसरी है ना, नृकेसरी। केसर का मतलब है आजू बाजू जो बड़ा लंबा बाल है उसको कहते हैं केसर शब्द से, सटा शब्द से भी कहते हैं। सटा पटल, सटाओं का पटल यानी एक भय रूप है वो सटा पटल, सटाओं का एक पटल है, बहुत बड़ा बड़ा जो केशों का समूह है, भीषण है। उसकी वजह से भगवान भीषण है। कभी कभी हम छोटा मोटा गलती भी कर दें तो भगवान नरसिंह जी भगवान स्वप्न में आ जाते हैं और एक डरा देते हैं हम लोगों, और डराते हैं तो समझ लेना कि हमारा पाप नष्ट हो गया। और उठे तो फिर से भी कभी कभी नींद में शेर का स्वप्न आ जाता, सिंह स्वप्न आ जाता। समझो सिंह तुम्हारे पीछे पीछे भाग रहा है, आपको आप तो पकड़ना चाहता है, तो तुरंत खड़े हो जाते हैं, नींद छोड़ देते हैं। तो समझना अपना पापों का एक बार नष्ट हो गया है, फिर से पाप नहीं करना। और सटापटल भीषणी, ये स्वप्नों का जो वर्णन करने वाले, स्वप्नों का फल वर्णन करने वाले सिंह का अगर स्वप्न में देख लें तो पापों का नाश उत्तर देते हैं, पापों का नाश फल के रूप से कहते हैं। सटापटल भीषणी, सटापटलों की वजह से अति भीषण है स्वरूप। सर्वस अट्टहास उद्भटे, बहुत तेजी से भगवान प्रकट हुए और अट्टहास, अट्टहास का मतलब है हा 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 हा, ऐसा जो हास है उसको हास यानी प्रकार का जो हंसी है उसको कहते हैं अट्टहास कहते हैं। भगवान शिवजी तांडव के समय में बहुत गुस्सायल होकर जिस प्रकार हास अट्टहास करते हैं, गिरीशाट्टहास नाम से प्रसिद्ध है, उसी प्रकार नरसिंह भगवान का भी अट्टहास है। सरबस अट्टहास, और जब सोच भी नहीं सकते हैं ऐसा तुरंत प्रकट हुए और अट्टहास करते हुए और उद्भट हुए, उसके उसकी वजह से वो एक प्रकार अति गंभीर बन गए हैं। का मतलब है भगवान अगर सच में दुष्टों का निग्रह करने के लिए प्रकट हो जाए तो किस प्रकार वो गांभीर्य प्रकट करेंगे। वो गांभीर्य का सूचक शब्द है उद्भट शब्द है, सर्वस अट्टहास उद्भटे स्पृकृधी, गुस्सा बहुत तेज, आंख में गुस्सा प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है। स्पृकृधी स्पृक यानी क्षण क्षण पर बाहर निकल रहा है, जैसा अंगार जैसा बाहर निकलेगा तो एक एक अंगार किस प्रकार रहेगा, ऐसा एक एक आंख लाल लाल आंख दिखा रहा है। लाल आंख एक आग का प्रतीक है। स्पृकृति गुस्सा का गुस्सा स्पष्ट हो रहा है, यानी कितना इतना गुस्सा, ऐसा सब लोग डर के मारे इधर उधर भटक रहे हैं। और स्पृकृति परिस्फुट भ्रुकुटिकेपी, और उनका जो भ्रुकुटिका का मतलब है आईब्रो है, का मतलब है और आंखें हैं वो परिस्फुट, और वो भी धड़ धड़ कांप रहा है। परिस्फुट भ्रुकुटिके वक्त्रे कृते, इस प्रकार उनका चेहरा किया गया है, का मतलब भगवान इस प्रकार की चेहरा को बाहर प्रकट कर रहे हैं पहली बार।
तो कृपा कपट केसरीन एक और इस प्रकार है तो कृपा कपट केसरीन ये वस्तुतः केसरी नहीं है कपट केसरी है अर्थात ये केवल दुष्टों के लिए इस प्रकार दिखाई दे रहे हैं अंदर से तो कृपा वाले हैं कपट केसरी है ये केसरी स्वरूप सच नहीं है उनका और एक स्वरूप है प्रसाद स्वरूपी है प्रसाद मूर्ति है प्रसाद नरसिंह मूर्ति है वही सत्य है ये तो दूसरों को दिखाने के लिए अर्थात और विरोधियों को भक्तों के साथ जो खिलवाड़ करते हैं उन लोगों के लिए एक स्पेशल स्वरूप है कपट रूप से लिया हुआ स्वरूप है कृपा कपट केसर इन दनुज डिम्ब राक्षस का जो पुत्र है अर्थात डिम्ब है छोटा सा बालक नन्हा सा बच्चा है और ऐसा प्रह्लाद है उसके लिए दत्तस्तना उसके लिए स्तन्यपान कराते हुए और सरोज सदृशा दृशा सरोज यानी कमल जैसा कमलेक्षण होकर वहां तो एक ओर से तो और आग बबूला होकर आग अंगार छिटक रहे हैं और एक ओर से तो सरोज सदृशा दृशा और कमल जेवा कमल जैसा आंखों से जेवा आ गया गुजराती सरोज सदृशा दृशा व्यतिभिषज्यते व्यज्यते व्यतिभिषज्य व्यतिभिषज्य यानी और एक प्रकार का अल्टरनेटिव मेडिसिन अल्टरनेटिव एक मेडिकल सर्जरी करते हुए व्यतिभिषज्य शब्द का मतलब अल्टरनेटिव सर्जरी यही मतलब है क्योंकि हिरण्यकशिपु को मारना यानी उसे कैसे कहते हैं एक अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट और वो पहली बार इस प्रकार प्रकट हुए हैं डॉक्टर के रूप से जिसके लिए जिसके पास बहुत अहंकार हो जिसके मन में बहुत ही अहंकार हो और मेरे सिवाय और कोई बड़ा है ही नहीं हिरण्यकशिपवे नमः बोलो नारायणाय नमः बच्चा बोल रहा है सही बोल रहा है ओम नमो नारायणाय बोल रहा है तो परंतु बोलने के लिए आदेश तो इस प्रकार है कि हिरण्यकशिपवे नमः यानी तब भगवान को साक्षात प्रकट होना आवश्यक पड़ गया है इसलिए व्यतिभिषज्य सरोज सदृशा दृशा व्यतिभिषज्य का मतलब वहां एक प्रकार से उसको मारने की व्यवस्था करते हैं और दूसरी ओर वही आंख से दूसरी ओर से और डर को निकालने के लिए प्रह्लाद भी डर गया होगा ना तो उसको भी ठीक करने के लिए और कमलनयन बन के कमलाक्ष बनकर और इनको स्तन्यपान करते हुए एक बहुत सुंदर स्वरूप में भी विराजमान होकर व्यतिभिषज्यते व्यज्यते इस प्रकार दिखाई दे रहे हैं इससे क्या हो रहा है व्यतिभिषज्य व्यज्यते इस प्रकार चिकित्सा करते हुए एक ओर से अहंकारी लोगों की चिकित्सा अलग प्रकार की है भक्तों की चिकित्सा अलग प्रकार की है डोंट वरी मैं हूं ना ऐसा बोलने वाला भगवान का अंक है वहां आए ऐसा करता है क्या करता हूं देखो अभी पहली बार हुआ इतना तूफानी है ऐसा करके उनको धमकी भरी चेहरा से देखकर उसको हत्या करके इधर आहा मेरा बेटा कैसे भाई बोला ना नारायण है नारायण मुझे रक्षा करेगा ऐसा विश्वास रखा है ना उसे तुमसे तुझे तो पर्वतों से फेंका और हाथियों से तकलीफ दिया मतलब उतने समय में भी तू मेरे ऊपर ध्यान विश्वास रखा है ना मैं कैसे नहीं आऊंगा ऐसा जो अंक बता रहा है भक्त को देखकर उस प्रकार का जो अंक है और वो दोनों काम कर रहा है दुष्ट शिक्षण और साधु संरक्षण दोनों करने वाला जो अंक है उसको व्यतिभिषज्य है अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट और उनका भी ट्रीटमेंट दुष्टों का और इनका जो डर हो गया डर गए उसको दूर करने के लिए और इसी प्रकार रहो भाई मेरे ऊपर विश्वास रखो मैं कभी भी मेरे भक्तों को छोड़ता नहीं हूँ नमे भक्त प्रणश्यति ऐसा कहने वाला जो दूसरा अंक है इन दोनों को वर्णन इस श्लोक में किए श्लोक फिर से पढ़ता हूँ सटा पटल भीषणी सर्वसाट्टहासोद्भटे
स्फुरत कुलधि परिस्फुटत भ्रुकुटिके विवक्त्रे कृते कृपा कपट केसरिन। और एक कपट केसरिन शब्द कितना सुंदर है, कपट केसरिन धनुज डिंब दत्तस्तनाम। धनुज डिंब अर्थात हिरण्यकशिपु का जो बेटा है प्रहलाद है, उसके लिए स्तन्यपान करते हुए कराते हुए सरोज सदृशादृशाम। और स्तन्यपान करते वक्त माँ किस प्रकार देखेगी अपने बेटा को, और उस प्रकार जो सरसिज नयन होकर देख रहे हैं, कमल नयन होकर देख रहे हैं, उस प्रकार की दृष्टि से और ट्रीटमेंट दे रहे हैं बच्चा को। ओ कितना तकलीफ हुआ तुझे, यहाँ लगा, यहाँ लग गया तुझे, कहीं लगा, नहीं लगा, ऐसा पूछताछ करते हुए कृपा से उनका संपूर्ण शरीर का परामर्श करते हुए एकमात्र का माता जी का वात्सल्य प्रकट करते हुए जो भगवान प्रहलाद जी की कृपा किए हैं, उसी आंख से दोनों आंख उस दिन दिखाई दिया, भगवान का दोनों सुंदर स्वरूप दिखाई दिया, वो भगवान इधर कामासिका के रूप से विराजमान हैं इस बेगवती नदी के किनारे पर, ऐसा वेदांत ऋषिक जी का अनुभव है। त्वयि रक्षति रक्षकैः किमन्यैः, त्वयि च रक्षति रक्षकैः किमन्यैः, इति निश्चितधीः श्रयामि नित्यं दृहरे वेगवती तटाश्रयं त्वाम्। त्वयि रक्षति, त्वयि रक्षति रक्षकैः किमन्यैः, बहुत सरल श्लोक है, प्रतिदिन अनुष्ठान में रख सकते हैं, और पूजा करते वक्त कुछ श्लोक बोलने की इच्छा हो जाए तो इसी श्लोक को बोल सकते हैं, और कभी कभी न कभी तो श्लोकों का निवेदन करने का मौका आता है, और अलंकार आसन भोज्य आसन सब होने के बाद भगवान को और श्लोक पढ़ सकते हैं। तो त्वयि रक्षति रक्षकैः किमन्यैः, जब आप रक्षण करें, आप रक्षा करें, तो बाकी दूसरों रक्षकों से क्या प्रयोजन है। और आजकल घूमते हैं कि कितने सारे अंग रक्षक लेकर घूमते हैं, अगर भगवान रक्षा करना चाहते हैं तो अंगरक्षकों की कोई जरूरत नहीं है, अगर भगवान मारने के लिए निर्णय कर दिए हैं तो भी अंगरक्षकों की कोई जरूरत नहीं है। पुराने कई किस्सों से हम लोगों को यह स्पष्ट मालूम होता है कि त्वयि रक्षति रक्षकैः किमन्यैः, जब आप रक्षक बन के रहते हो तब अन्य रक्षकों से क्या प्रयोजन है। त्वयि च रक्षति, आप अगर छोड़ दिए हैं तो एक व्यक्ति को, रक्षकैः किमन्यैः, बाकी रक्षकों से क्या है। इस प्रकार निश्चित दी ही, इस प्रकार मैं निश्चय बुद्धि से श्रयामि नित्यम, सदा के लिए आपका आश्रयण करता हूँ, हे नृहरे वेगवती आश्रयम त्वम, वेगवती के किनारे रह में आश्रय पाकर रहने वाले आपको मैं आश्रय करता हूँ, नृहरे वेगवती तथाश्रयम त्वम श्रयामि, आप वेगवती के किनारा तो आश्रय किए हैं क्योंकि भक्तजन आकर आपका आश्रय करें इसी भावना से, तो मैं भी निर्णय कर लिया हूं तो आप रक्षण करें तो और कोई रक्षण करने के लिए आवश्यकता नहीं है, आप रक्षण न करें तो और कोई किसी की रक्षा की जरूरत नहीं है, दोनों पक्ष में आप करें या न करें और दोनों पक्ष में और किसी की जरूरत तो है ही नहीं, किमन्यैः रक्षकैः किमन्यैः, आप रक्षा न करें तो भी बाकी लोग नहीं रक्षा कर सकते, आप रक्षा करें तो भी बाकी लोग रक्षा नहीं करने की जरूरत ही नहीं है, आप ही कर लेंगे, मतलब इति निश्चित अधि ही श्रयामि नित्यम, इस प्रकार निश्चय मन वाला निश्चय बुद्धि वाला मैं आपका आश्रय करता हूँ, हे नृहरे हे नरहरि भगवान, नृहरे संबोधन है, वेगवती तटाश्रयम त्वम संबोधन, संबोधन का मतलब है और बुलाने की तरीका है, लोग संबोधन बोलेंगे गुजरात में, हम लोगों का अनुभव संबोधन बोलेंगे, संबोधन नहीं है बार संबोधन बोलो ऐसा बोलना पड़ता, संबोधन वेगवती तटाश्रयम त्वम, वेगवती के किनारे पे आश्रय लेकर विराजमान है भगवान, श्रयामि नित्यम मैं आपका आश्रयन करता हूँ, आपका शरणागति करता हूँ। इत्थं स्तुतः सकदिहाष्टभिरेश पद्यैः श्री वेंकटेश रचितैः त्रिदशेन्द्र वंद्यः, दुर्दांत घोर दुरित वीरदेन्द्र भेदी कामासिका नरहरिर्वितनोतु कामान। फलश्रुति है, एक एक स्तोत्र में भी भगवान वेदांत देशिक जी लास्ट में एक फलश्रुति लिखते हैं, इस स्तोत्र को पढ़ने वालों को क्या लाभ मिलेगा ये भी लिखते हैं, क्योंकि सिद्ध कवियों की एक पद्धति है,
सिद्ध कवियां भगवत कृपा से जो श्लोक लिखते हैं, हयग्रीव भगवान की कृपा से प्राप्त कविता सामर्थ्यवान जो वेदांत देशिक जी हैं, वो इस प्रकार फलश्रुति लिखते हैं, तो उनके वो भी हमारे लिए ये सिद्ध पल है। अर्थात अगर प्रतिदिन पढ़ेंगे तो पल सिद्ध ही है, मतलब ऑलरेडी फल क्रिएटेड है, उसको पाने के लिए केवल श्लोक बोलना है, ये मतलब है। इत्थं स्तुतः, इस प्रकार स्तुति किए गए भगवान तमासिका नरहरि, सकृत एक बार यह अष्टविदेश पद्य ही 8 श्लोकों से एक बार श्री वेंकटेश रचित ही वेदांत देशिक वेंकटेश जी से रचित इन श्लोकों को वेंकटेश रचित ही त्रिदशेंद्र वंद्यः, त्रिदशेंद्र का मतलब है इंद्रादि बड़े बड़े देवताओं से वंद्य है भगवान नरहरि हैं, और वो सभी देवताओं जिसका प्रणाम करते हैं, और डर के मारे भी प्रणाम किए उस दिन, और दूर से प्रणाम किए, और क्या करना मालूम नहीं है, उसका वर्णन विष्णु पुराण में भी आता है। त्रिदशेंद्र वंद्यः दुर्दांत घोर दुरित दुरदेंद्र भेदी, कैसे शब्द का प्रयोग करते वक्त ही वह ऐसा शब्द का प्रयोग करते हैं दुर्दांत। दुर्दांत का मतलब है जिसको दमन करना संभव नहीं है, दुर्दांत दमन करना असंभव है, ऐसा घोर दुरित जो भयंकर पाप, हम लोग ऐसे ऐसे पाप करते हैं माने उसको उसको दंड देकर भी कभी समाप्त नहीं किया जाए, और ऐहिक दंड से भी नहीं, आमुष्मिक दंड से भी, यमलोक में प्राप्त करने वाला वो दंड से भी नहीं है, वो दुर्दांत घोर दुरित है। दुर्दांत मतलब है अनकंट्रोलेबल, कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, इतना घोर भयंकर जो दुरित पाप है, पाप रूपी जो दुरदेंद्र है, बड़ा गज है, उस हाथी जैसा पाप है, दुरदेंद्र भेदी अथवा दुरदेंद्र फिर बड़े बड़े याने यानी बड़े बड़े जो हाथी है उसको भी भेदन करने वाला जो तामासिका नरहरि, मतलब पाप सब हाथी जैसा बड़ा है, तो नरहरि जो शेर है, नरहरि नरसिंह जो भगवान है, वो इतना बड़ा बड़ा हाथियों को भी फाड़ सकते हैं, ऐसे हमारे पाप रूपी हाथियों को फाड़ देने वाले जो नरहरि हैं, वो कामान्वितनो तु, वो अपने दुरितों को अपने पापों को दूर करके मंगलों को वितरण करें, क्योंकि हमारा पाप ही हमारे लिए आगे हम लोग प्रगति पाए इसका अवरोधक बनकर बैठा है, हमारे पाप प्राचीन कर्म और अथवा इस जन्म में किया हुआ भी बड़े बड़े पाप हैं, वो सब हमारे लिए विघ्नकारी बन के हमारी प्रगति को रोकते हैं, हमारे लिए आने वाला मंगलों को रोकते हैं, उन सबको कामासिका नरहरि ठीक करें, ऐसी प्रार्थना इस श्लोक में की गई है। प्रैक्टिकल श्लोक है, क्योंकि हमारे जो हमारा पाप जो है इतना बड़ा बड़ा पाप है और हाथी जैसा है और दुर्दांत है, क्योंकि हाथी भी कभी कभी अनकंट्रोलेबल हो जाता है, उसी प्रकार हमारा पाप भी अनकंट्रोलेबल इतना बड़ा तूफान मचाता है हमारे जीवनों में, तो इसलिए उसको दूर करने के लिए भगवान नरहरि शेर ही तो काफी है, शेर ही तो पर्याप्त है, शेर के सिवाय कोई हाथी को रोक नहीं सकता है। दुर्दांत घोर दुरित दुरित रूपी जो दुरदेंद्र है उसको भेदन करने वाला, उसका मस्तक में मस्तक को फाड़ डालने वाला जो कामासिका केसरी है वो, और उन पापों को दूर करके और हाथी जैसा रहने वाला पापों को मिटाकर हमारे लिए कामान्वितनो तु, अच्छे फलों को मंगलमय फलों को दिव्य फलों को वितरण करें, ऐसी प्रार्थना इस श्लोक में की गई है। फिर से एक बार श्लोक पढ़ता हूँ। इत्थं स्तुतः, इस प्रकार जो स्तोत्र किया गया नरहरि है, सकृदिह अष्टपद्य अष्टविदेश पद्य ही, एक बार 6-8 श्लोकों को एक बार पढ़ेंगे तो, जो श्री वेंकटेश रचित ही त्रिदशेन्द्र वंद्यः भगवान कैसे भगवान दुर्दांत गौर दुरित दुरदेन्द्र भेदी कामासिका नरहरि, अपनी इच्छा से और आसन ग्रहण किया हुआ और बंधन में अर्थात बंधुर पर्यंक बंध में पर्यंक बंधन में बंध में विराजमान हरि ही कामान्वितनो तु, अपने अभिलाषित फलों को प्रदान करते रहें, ऐसी प्रार्थना है। कवितार्किक सिंहाय कल्याण गुणशालिनी
श्रीमते वेंकटेशाय वेदांत गुरवे नमः।